नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और झांसी का ये बड़ा गांव गेट बाहर का इलाका है। जैसा कि आप चौड़ी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं पुरानी लकड़ी की टाल है, आरा मशीन है। बहुत पहले, बरसों पहले आपने देखा होगा, ये वही लकड़ी की टाल है। अब खूब सारी दुकानें बन गई हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। खूब चौड़ी सड़क है, बस थोड़े से गड्ढे गूढ़े हैं। झूलते झालते आप चले आओगे और झूलना झालना तो बनता है, क्योंकि जब बड़ा गांव गेट बाहर निकलोगे तो जब तक झूलते झालते ना जाओ तब तक मजा ही क्या है जिंदगी का। थोड़े से बस गड्ढे गूढ़े हैं और बाकी आप डेवलप देख ही रहे होंगे। चारों तरफ दुकानें, अच्छे अच्छे मकान, एक कस्बा सा लगता है कि कोई नया कस्बा बन गया है। यथार्थ सत्य है कि जंगल में मंगल होता है और मंगल ज़रूर होता है जब समय आता है। ऐसे जैसा कि आप सामने मैदान देख रहे हैं, कुछ सालों पहले ऐसा ही मैदान पूरे इलाके में दिखाई देता था। चारों तरफ खेत ही खेत थे, सुनसान हुआ करता था। ये प्राचीन श्री श्री 1008 सिद्ध दूर बाबा हनुमान मंदिर है, जो दूर बाबा के नाम से जाना जाता है। कितनी पुरानी बिल्डिंग है। जो पूरी आप जो जगह देख रहे हैं ये दूर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत प्राचीन बिल्डिंग है। ये भगवान राम जानकी का मंदिर है, कितनी पुरानी बिल्डिंग है। इसमें तो है उनकी पैसा है। अच्छा, काय की मूर्ति है अंदर? अंदर हनुमान जी की है और रामचंद्र जी, राधा कृष्ण, शंकर जी, सरस्वती, काशी बाबा। ये सारा मैदान आप जो देख रहे हैं, इस जगह को दूर बाबा मोहल्ला कहते हैं। अभी ताला डला हुआ है इसलिए हम दर्शन नहीं करा सकते हैं। जैसा कि बता रहे हैं 5:30-6 बजे तक आएंगे महाराज। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, भगवान राम जानकी का मंदिर है अंदर जैसा कि बता रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी बावरी है जैसा कि आप देख रहे हैं। प्राचीन इमारतें हैं, चूने से बनी हुई, महारानी झांसी के समय की। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, चूने से बनी हुई। प्राचीन इमारतें हैं जिनका इतिहास दफन है, लेकिन है महारानी झांसी के समय की सारी प्राचीन इमारतें। थोड़े से गड्ढे ज़रूर हैं, गाड़ियां झूलते झालते सोकर चेक करते हुए। बाकी बाजार कस्बा सा लग रहा है। बढ़िया सोकर झूलते झालते निकलते लोग। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।